हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश की पोएम गार्डन स्नेक और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से। तो इसमें पोएट बोलते हैं कि मैंने स्नेक को देखा, एक सांप को देखा और मैं वहाँ से भाग गया। कुछ स्नेक जो हैं वो डेंजरस होते हैं, मतलब कुछ सांप हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। मगर मम्मी ने कहा था, उनकी उनकी जो मदर थी, उनकी माँ, उन्होंने कहा था कि जो गार्डन वाले होते हैं स्नेक, इस टाइप के जो स्नेक होते हैं वो काइंड होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो सिर्फ इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े खाते हैं अपने खाने के तौर पर। सो व्हेन ही रिगल्स इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। तो जब वो रिगल किया, मतलब रेंग रेंग के चला घास पर, तो मैं बिल्कुल साइड में चुपचाप खड़ा रहा और मैंने उसको जाते हुए देखा। एंड टेल माई सेल्फ देयर्स नो मिस्टेक, इट्स जस्ट हार्मलेस गार्डन स्नेक। और ऑथर ने खुद से कहा कि मतलब ये कोई मिस्टेक नहीं है कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये तो सिर्फ एक हार्मलेस, मतलब नुकसान ना पहुँचाने वाला, एक गार्डन में रहने वाला सांप है। तो ये हमारे इसकी पूरी पोयम का मतलब भी हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक। हमें वो लाइन बतानी है कि जो चाइल्ड है वो स्नेक से डरता है। तो वो वाली कौन सी लाइन है, ये देखिए यहाँ पे आंसर है नीचे। तो पहला है आई सॉ स्नेक एंड रैन अवे। तो कौन सी लाइन बताती है कि उसने स्नेक को देखा था और वो डर करके भाग गया था। फिर विच लाइन शोज़ अ कम्प्लीट चेंज ऑफ चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड स्नेक, रीड इट। मतलब हमें बताना है कि कौन सी लाइन ने हमें बताया कि चाइल्ड का जो एटीट्यूड है स्नेक्स की तरफ वो बदल गया है। तो वो हमें बताता है आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास, कि मैं वहाँ पे एक साइड में खड़ा रहा और मैंने उसे वहाँ से जाते हुए देखा। ये था चेंज इन एटीट्यूड जो बताता है कि अब स्नेक से डर नहीं लगता उस चाइल्ड को। थर्ड है इसका बट मदर सेज दैट काइंड इज़ गुड, वॉट इज़ मदर रेफरिंग टू। तो मदर कहती है कि ये वाला काइंड, ये वाला स्नेक का जो काइंड है ये अच्छा है। तो इससे मदर किस चीज़ को रेफर कर रही है, तो द मदर इज़ रेफरिंग टू गार्डन स्नेक। तो मदर एक गार्डन में रहने वाले स्नेक को रेफर कर रही है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। तो वो होता है, ये देखिए यहाँ पे विगल्स, कि वो रेंग के चलता है ना, विगल करता है। फिर नेक्स्ट है देयर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। वो हमें बताने हैं कि कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं। तो गुड और फूड, पास और ग्रास, अवे से मिस्टेक स्नेक। राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो हम एक साथ बोलते हैं तो हमें बिल्कुल एक जैसे से सुनाई पड़ते हैं, वो होते हैं राइमिंग वर्ड। तो ये वाले चार इस पोयम के राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ। ठीक है, तो जो स्नेक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलता है, तो आप ये बता सकते हैं कि वो किस तरीके से चलता है, उसके तो कोई पैर नहीं होते। तो इसका आंसर है अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट, इट रिगल्स ऑन द सर्फेस। वो सर्फेस पे रिगल करता है, रेंग रेंग के चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ, वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड। क्या आप, मतलब आपने कभी सुना है कि कोबरा के बड़े और लंबे लंबे से टीथ होते हैं और उसे क्या कहते हैं वर्ड उसका जो होता है, और आपने ये वर्ड कहाँ सुना है ये बताना है। तो आप कह सकते हैं अ कोबराज लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फैंग्स। जो कोबरा के लंबे लंबे से टीथ होते हैं ना, उसको हम फैंग बोलते हैं। आई फर्स्ट केम अक्रॉस दिस वर्ड ऑन नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। तो शायद आप भी देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के बारे में बताते हैं, तो कोबरा वगैरह के बारे में बताते रहते हैं। तो उसमें हो सकता है आपने भी ये वर्ड जो है, वर्ड है फैंग्स, ये सुना हो। तो ये हमने पोएम का भी पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।